ऐसी कोई चीज़ बनाएं बड़ी खाला ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। एहतियाती तौर पर छान रहे हैं, वैसे तो साफ़ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह। बेगम साहबा के पास आइडिया चेक करते जाओ तो। या अल्लाह, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मज़ेदार है, आउट क्लास। मिर्चें कैसी हैं? नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। नहीं, फिर ठीक है। नानी अम्मा, आप अपने बेटे की हालत चेक करें। ये चखने चखने में दोनों क्लियर कर गए, बेचारे बैठे हुए हैं, अभी फिर चखने गए। ये चखते रहे ना इसी तरह। बात तो सुनो, हमने भी तो इतने इतने बाइक कर करके खाए हैं। हाँ ना, चखे ज्यादा खाए। सुबह से बेचारी मामी कोशिश कर रही है यहाँ पर आग जलाने की, लेकिन आग नहीं जल रही। अभी तकरीबन 10-11 का टाइम है, मौसम ठंडा गरम ठंडा गरम, कभी बादल आ जाते हैं तो कभी धूप निकल आती है, इसी तरह चल रहा है। लेकिन अब आज जो है ना, सबका दिल कर रहा था जी पकोड़े खाने को, तो आज मामी बना रही हैं जी पकोड़े। और वो भी मामू ने कहा चलें धूप पे आप जलती रहेंगी, यहीं पर बैठ जाएँ, मैं भी आपकी हेल्प करवाता हूँ। इसका मतलब है आज मामू की भी दिल है, मतलब पकौड़े खाने का, मामू का भी ऐसे नहीं खाने का नहीं है लेकिन बनवाने का है। अच्छा, लाडो खाला भी यहीं पे आ गई है, लाडो खाला के भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है मेरे ख्याल में पकोड़े खाने का। और ये दोनों जो है ना, बैल भाई बोलते हैं ना, काम नहीं करते इसलिए जा। चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब तो आराफिया से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं जी। सही कह रही है लाडो सिस्टर, बहन भाइयों के लिए आके इधर बैठी हुई है ताकि वो जो है ना, कहते हैं लाडो सिस्टर काम नहीं करती, लेकिन लाडो सिस्टर बहुत काम करती है। देखो अभी तो प्याज छील के दे रही है, और फिदा जान ने भी जी जान लगे हैं, बस करो प्याजों का। हाँ, इतने बनाने हैं क्या? हाँ, तो आलू नहीं डालने बीच में, आलू डाल, वही तो कह रही इतने चटनी में जितने से हम तो इसलिए भी बैठ गए, हमने कहा शायद सारे छील लें। सारे नहीं छीलने, उतने छीलने हैं जितने चाहिए। चलो फिर शाम के सालन के लिए रख देंगे ना। हाँ, छीलो 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 छीलो, शाबाश, टेंशन ना, रोते भी रहो और छीलो भी। चलें, मैं जो है ना गया था सामान लेने के लिए, सामान मैं लेके आया हूँ प्याज आलू, और उसके बाद जी सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी हैं, थोड़े से लेमन, लेकिन हमें पालक भी नहीं मिली, और साथ में थोड़ा सा चिकन ऐड करवा के ले आया मैं, पालक नहीं मिली। पालक का मेरा दिल था, मैंने कहा आज पालक वाले भी पकोड़े बनाएंगे, बोड़े टेस्टी बनते हैं और मज़े के बनते। अच्छा, और आपको बताऊं एक चीज़ जिसमें बनाने थे वो चीज़ मेन चीज वो नहीं लेके आया, वो असल में इसलिए लेके आया, मैंने समझा शायद मामी ने बोला नहीं है मुझे, हाँ घर सामान जो है ना वो पड़ा होगा, तो इसलिए मैं नहीं लेके आया। अभी जाता हूँ वो चीज़ जी लेके आता हूँ जल्दी जल्दी से। कितना लेके आना अभी? 5 किलो 6 किलो जितना खाओ, 5 किलो 6 किलो। दुकान लगानी है या खाना है? लाडो और मैं खाते रहेंगे बना बना के। 1 किलो ले आना, 1 किलो। चलो, बड़ी खाला भी आ गई है साथ में आलू काटने के लिए। ऐसी कोई चीज़ बनाए बड़ी खाला ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं आता। और साथ में जी, हाय 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 हाय, रो रही है बेचारी। अच्छी बात है। हाँ तो और क्या, चाहिए सही करो। अब आपके व्यूवर्स कह रहे हैं ना कि वो काम नहीं करती, सारा दिन बैठी रहती है, बेचारी रोती भी जा रही है, काम भी करती है। कहती है कि आप हट जाओ, मैं बैठती हूँ। ये बेसन उधर रखना, सिस्टर रखती है। ये जी बेसन ले आया हूँ, अभी काफी है ना, इतना बहुत है, खाऊं ना तो मुकदा नहीं। अच्छा, लेकिन खाना तो है, खाएंगे, आप खाओगे। चल बनाओ तो सही ना, बच्चों की ईद है, बच्चों की, बनाओ तो सही ना। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मामू लहसुन छील रहे थे ना, आज लहसुन से दिल निकला है, पता नहीं ये मामू का है या मामी का है। किसी का नहीं, लहसुन का दिल है। चलें जी माशाल्लाह, लहसुन का भी दिल होता है। लहसुन का नहीं, सब चीज का दिल है। क्या बात है जी, ये देखिए अल्लाह की कुदरत, अल्लाह पाक की कुदरत चेक करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा थोड़ा डालना, एहतियाती तौर पर छान रहे हैं, वैसे तो साफ सुथरा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मामू थोड़ा नीचे करके छाने, इसी तरह हाथ भी ऐसे ऐसे करो ना, मसलो ही ऐसे ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, शाबाश। क्योंकि नमी की वजह से ना, बारिशें आती हैं ना, तो नमी की वजह से थोड़ी बहुत ना। आज फिदा जान को काम ही सिखाती हूँ पकौड़ों का कैसे बनते हैं।
मामू को पकोड़े बनाने नहीं आते तो आप क्या कहती हैं? बचपन में मैं रेड़ी लगाता था। आप क्या कहती हैं, पकोड़े बनाने नहीं आते मामू? भाई देख रहे हैं, अगर इसको पकोड़े बनाने आते तो इसको बेसन भी जरूर छानना आता। तो सब बहन भाइयों को कमेंट में जरूर बताना कि मैं गलत बात कह रही हूँ कि सही बात। नहीं नहीं, छोटा था तो मैं रेड़ी लगाता था पकोड़े समोसे। अच्छा, ये तो हवा की वजह से उड़ रहे डालो। अच्छा जी, आवाज लगाता था कैसे? हाँ, मच्छी के पाए जितना का शोरा। तित्रों का शोरा? हाँ। फिर कोई खाता था? बहुत। दिहाड़ी कितनी थी मेरी? 10 रुपए, रोज के 10 रुपए ले आता था। साहब जा रहे हैं आवाज लगाने के ना? नहीं बनाता था यार। हाँ, सबसे पहले तो ये बताओ मच्छी के पाए किधर से आते थे? वैसे ही एक हमारा मच्छी के पाँव होते हैं क्या? हाँ ना, आपने नहीं देखे? मैंने तो मामी ने देखे ही नहीं है, देख लो। वाह भाई वाह, मैं दिखाऊंगा आप जब। मैंने मच्छी के वो देखे हैं जो साइड साइड पे छोटी छोटी सी होती है, वो तो फिंग्स होते हैं, पर होते हैं। हाँ। उस जगह पे पिछली साइड से धूप आ रही थी तो थोड़ा सा सरका के हमने चिटाई को आगे कर लिया है। अभी सारा सामान जो है वो हमारा रेडी है, आलू भी रेडी हैं, प्याज भी रेडी हैं और बेसन भी मामू ने अच्छी से तरह से छान लिया है। और यहाँ पर पड़े हैं जी लेमन और छोटी छोटी जो मिर्च होती हैं सब्ज़ वाली, बहुत तेज़ वाली, वो वाली कड़ाकेदार मिर्चें। यहाँ पर नानी अम्मा ने लहसुन का पेस्ट बनाकर वो भी हमें दे दिया है। कढ़ाई वगैरह ईच एंड एवरी थिंग आ चुके हैं, मसाले वगैरह भी। तो अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। चले मामी फिर रेडी। अच्छा इधर सबसे पहले जी लहसुन प्याज डाल दिए, उसके बाद जी आलू। लहसुन इसके अंदर तो ऐड नहीं होंगे, लहसुन का क्या करना है? लहसुन को ना चिकन में थोड़ा सा फ्राई करेंगे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर है जी चिकन। चिकन के छोटी छोटी बोटियाँ कीमे की तरह बनवा ली थी मैंने, पकोड़े वाली बोटी। अभी इसमें ना हरी मिर्चें काट के डालते हैं। उतनी डालना जितनी बर्दाश्त कर लो, ये बहुत तेज होती है मामी, ख्याल करना। बारीक मिर्च बहुत तेज होती है। बेगम साहब के पास आइडिया चेक करते जाओ तुम। आइडिया ऐसा है ना, क्योंकि अगर हाथ से काटती तो हाथ सारे ना काम चेक करो, छुरी से नहीं काटी, देखो कैंची ले आई है। देखो मेरी से, मेरी है छोटी सी बच्ची और उसको हर थोड़ी देर बाद मुझे उठाना पड़ता है, इसीलिए ना अभी भी रो रही है। तो मैंने उसको ना मेडिसिन दे के आई हूँ बुखार वाली, क्योंकि टाइम हो गया था। घड़ी देख, चलाओ इधर काम करवा लो, भाग के आओ। पकौड़ों की खुशबू, भी पकौड़े चढ़ाए नहीं है ऊपर, आप आ गई। ऊपर बेचारियों के ऊपर ना बहुत सारा जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि काम जो ना एकदम से आ गया है और छुट्टियाँ इनकी ख़त्म होने वाली। पहले अच्छा, पहले एक दो दिन में मैं समझ रहा था कि सारा काम करके बाद में सुकून से छुट्टियां गुजारेंगी, फिर अपने अपने काम पे लग गई। काम किया नहीं, जब इनका स्कूल बंद हुआ ना तो सर खा गई, अम्मी दस्ते ले दो, दस्ते हाँ दस्ते ले दो, हमने काम करना। भेजा जाके ले आओ, इनके पेन भी ले आओ, इनकी इंक ले आओ, इनके मार्कर ले आओ, सब चीजें ले आओ। ये आपकी टीचर व्लॉग अगर देख रही है ना तो इनकी सरा टिका के भेंडी लगाइएगा, सारा दिन जना बस खेलती रहती है इन्हें। दस्ते वगैरह हर चीज हमने शुरू में प्रोवाइड कर दी थी, ऐसे नहीं मामू? जैसे स्कूल खेलेंगे अब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, वो बताएं। सही बात, आपकी टीचर व्लॉग देखती है ना तो बस पैगाम पहुंच गया। इंशाल्लाह मेहनत करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, टीचरें डंडे नहीं मारेंगे क्योंकि काम करके जाएंगी। अभी दिन रात करके काम करेंगी ना, पता चल जाएगा। और डालनी है बस, डालेंगे ना मामी, बस करें। हल्दी डालो, मुझे क्या देख रहे मामी, बस करो, बस करें। हाँ तो और क्या, ये बहुत कड़वी मिर्चें हैं सीरियसली, फिर ये ना एक पकौड़ा खाएं बस। कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा फिर। अच्छा पकौड़े चटकारेदार ना हो फिर मज़ा क्या है? नहीं बस करो चटकारेदार, आगे आगे मामू और बड़ी खाला चटकारेदार खा के अभी इनसे पूछे, अभी इनसे पूछे खुश हो के बैठे, अभी बनाते हैं बेचारे खाते नहीं हैं। तो अभी ये ना हो कि फिर हम सब बनाएं सही खाएं नहीं, अल्लाह पाक इनको भी खाना नसीब करे। पालक वाले और वो गोल वाले जो आलू काट के बनाते हैं ना, वो भी बहुत पसंद है। मुझे भी वही पसंद है आलू वाले। इधर बड़ी खाला जो है ना लहसुन को फ्राई कर रही है, साथ में अभी ऐड करेंगी चिकन मुर्गी और चिकन एक ही हुआ ना, कुक के
चलो कुकड़ सही है, ये थोड़ी सी अलग है। ये लो बड़ी खाना, कुकड़ ऐड करो। मुर्गी को जी अच्छी तरह से फ्राई करते हैं, क्योंकि पकौड़ों में हाफ फ्राई करेंगी ना। लेमन भी बीच में ऐड कर दिया मामू लोगों ने। दो मामू, दो काफ़ी हो जाएंगे? दो काफ़ी हैं, ज़्यादा नहीं। हल्दी डाल दी है मैंने, क्या हुआ? ये पता नहीं कितने चटकारेदार बनाएगी मम्मी। क्या क्या डाला? हल्दी डाल दी, धनिया डाल दिए, सूखी गरम मसाला। गरम मसाला नहीं डाला। डाले गरम मसाले डाले डाले हाँ, गरम मसाला डाले। अच्छा उधर देखो मम्मी, मेहरबानी करो हमारे हाल पे, बस करो। आज खाए तो फिर याद करेंगे। ये ना बस एक एक पकौड़ा चखे हैं बस अब। इसलिए तो ये हल कर रही है ना कि थोड़े, इसलिए तो बनाया है कि अच्छा आपके हाथों को आग लग जाएगी। ये चम्मच ले आई हूँ, उससे मिक्स नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता। चलो फिर आपकी मर्जी, फिर नहीं करना। बस महाराज थोड़ी डालना। मामी बस करें, उस गीली मिर्च भी ज़्यादा डाली हुई, वो दूसरी वो ग्रीन चिली भी ज़्यादा है। खाने दो यार, क्या कर रहे हो? छोड़ दो यार, आप भी मामी के साथ मिल गए हो। मैंने कहीं को चटकारेदार खिलाऊं? नहीं, चटकारेदार मजे नहीं देते। एक दो खाओ फिर मैदे में पानी 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 मैदे को उठा के फिरते रहो। पानी डालो, पानी भी डालना। ये डालेंगे ना, ये मिक्स करेंगे तो पानी डालेंगे। सही है, वो कैसे डालेंगे फिर? मिक्स नहीं होंगे फिर? एक पकौड़े में सारा चिकन चला जाएगा, एक पकौड़े में कुछ होगा नहीं। चिकन रेडी हो चुका है जी। बड़ी खाला ने इसमें थोड़ा बहुत मसाला भी ऐड किया था, छोटी मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर ऐड की थी ना। नहीं, गरम मसाला थोड़ा सा ऐड। चलें हम जल्दी मिक्स करो इसको, ऐसे ही खाते हैं। ऐसे ही हाँ, हाँ सोबत बन गई है। सोबत भी कभी बनाएंगे। चम्मच उठा के ले आओ, खाओ। ये फिदा जान का भांजा पहले चम्मच ले आएगा, टेस्ट करो पहले आप, फिर हम खाएंगे। नहीं नहीं हैं, अब बाद में एक मरतबा अब मामू ने मिक्स कर दिया। वो देखो उसकी बहन बोल रही है, लाडो सिस्टर, मेरे भाई के हाथों को ना जलन होगी। नहीं होती। आ जाए फिर इधर। अच्छा अच्छा, पानी डाल के बस मिक्स कर लो। मैं वही कह रहा हूं कि डालो पानी, हल्का सा पानी डालना, ज्यादा नहीं डालना। थोड़ा थोड़ा पानी, बिस्मिल्लाह। दरमियान में डालो ना, दरमियान में, दरमियान में डालो। बस 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 बस, फिलहाल बस हमारा मसाला जो है वो रेडी होने वाला है। बस जो ही रेडी होता है, इधर से कढ़ाई जो है वो बड़ी खाला ने धो ली है और चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया। और चूल्हा ना तीन तीन ईंटों वाला जो देसी चूल्हा होता है वो बनाया हुआ है। देखिए इस पे देख भी आराम से बन सकती है। हाँ जी। नानी अम्मा बना रही है जी शाम के लिए यहाँ पर सब्जी, और सब्जी में आज बना रहे हैं जी अरवी, और अरवी है जी साथ में सब्जी, मिर्चें वगैरह भी हैं, और इधर टमाटर वगैरह भी काटे हुए। मामू तो बहुत ज़बरदस्त मसाला बना दिया है यार, कमाल करते हो तुम। मामी कहती है अभी ठेला लगाता था। वो तो मछली के पाए बेचता था ना, इसका आप मछली के पाए दिखाने हैं मैंने। सॉरी कहाँ पर? बड़ी खाला आपने देखे हैं? नहीं मैंने। चलो इन्होंने भी, इनको भी दिखाने हैं। ये लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि मामी ने मसाला बहुत तेज़ डलवाया और मामू ने भी ऊपर पूरा काम रखा है। कड़क कड़क देखो फिर, कौन हारते तो कौन जीतते। अभी बनते हैं तो कुछ पता चलेगा। पहला पकौड़ा आपको खिलाएंगे, चिकन वाले। बिल्कुल, आई एम वेरी एक्साइटेड। मामू सर्दी लग रही है, खुशबू ले रहे हो सच में। लाडो का ले आओ, ले आओ प्लेट में, सुबह का आपका इंतजार कर रहा हूँ।
आप और मैं मिलके खाएंगे, इनको नहीं देने अभी। हाँ हाँ सारे देते हैं आप लोग, हमने लेने भी सारे हैं। चेक करके पास करने, हमने पास करने व्यूअर्स, लाडो खाला और मैंने पास करने। हाँ पा पा पा, तुम लोगों के बदाक कर दो लेन खा लो, हमको मना करें। लाडो खाला आपको तो डॉक्टर ने मना नहीं किया ना? नहीं नहीं, इसको तो गिर गया किया इनके सामने तो नहीं बताना था, अभी ये खाने नहीं देंगे आपको। माशाल्लाह कलर बहुत ज़बरदस्त आ गया, ये चेक करें जी, माशाल्लाह फुल गोल्डन गोल्डन। बिस्मिल्लाह बरकता। दूसरा क्या चीज़ होती है? हरकत। हाँ बरकत, पहली हरकत होती है, दूसरी बरकत होती है। पहली बरकत, अच्छा पहले बंदा हरकत करता है तो फिर बरकत होती है ना। बिस्मिल्लाह। मामू जी जी, बस वीडियो में एंड करता हूँ बाद में फिर। ओ गिर गया, छानी गिर गई, इसको धो लें फिर। मामी जाके उधर जाके बैठ गई है, बेचारी थक गई है मुझे लगता है। नहीं इसने कहा है मैं खाऊंगा तुम नजर लगाती, इसीलिए मैंने कहा मैं तुम्हें जाती हूँ। ऐसे ही मजेदार है, आउट क्लास। मिर्चें कैसी हैं? नॉर्मल है, इतनी ज्यादा नहीं है? नहीं यार, फिर ठीक है। चिटाई को करते हैं अभी बड़ा, क्योंकि पकोड़े जो हैं वो तैयार हो रहे हैं साथ साथ में, और साथ साथ में मामू और मामी खाते जा रहे हैं। जो पहले वाली मतलब आई है ना, पहले वाले बनाए हैं, वो सब ने चखने चखने में सारे जो है ना खा लिए, ख़त्म कर दिए। अभी दूसरे वाले ये भी चख रहे हैं, ये तैबा और जैनब चख रही हैं। बस करो अब, इधर नीचे आके चखो। ये लो मामू, ये भी चखने हैं तो फिर नहीं दूंगा। अभी तो चखे हैं, पता नहीं खाएंगे कब। अभी खाएंगे यार, टेस्टी बहुत यार, इतने भी टेस्टी। आपको डॉक्टर ने मना किया, इतने भी टेस्ट नहीं लिया करो ना, अल्लाह खैर करेगा। एक साल में कुछ नहीं, कुछ नहीं होता, खाने देते हैं आपको, देते हैं, सुकून से बैठे हैं वहाँ पे। सब्र नहीं हो रहा ना। चिटाई जो है वो पहले डबल थी ना, तो एक साइड पे मट्टी गीली थी, वो थोड़ी बहुत लग गई है, तो मामी उसको साफ कर रही है अच्छे से। इधर पकोड़े बनते जा रहे हैं, इधर जी बिछा दिए चिटाई वगैरह और सब बैठ गए। ये देखिए मैंने बोला था ना आपको, चखने चखने में इनके चले जाएंगे अभी जर। थोड़े से नानी अम्मा, आप अपने बेटे की हालत चेक करें। ये चखने चखने में दोनों क्लियर कर गए। तैबा आप नहीं खा रही? खा रही हो? इधर आओ, इधर इधर आके बैठो। वो बाय बाय कर रही है बेचारी, बाय बाय करो। इधर आके बैठो, इधर आके, इधर आके, इधर आके, इधर आके, ये खाओ लो। शाबाश, इधर बैठो, इधर बैठो, खाओ। उठा लो, उठा लो, उठा लो, इनको नहीं देना, उठा लो। बाबा, बाबा का नहीं है, बाबा नहीं। देखो इतनी समझदार है, बाबा। बड़ी खाला जल्दी करो, जल्दी करो, बेचारे बैठे हुए हैं अभी फिर चखने गए। ये चखते रहे ना इसी तरह, इनको एक बार दो ताकि रज के खाएं। एक एक पकोड़ा आता है, चखते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अभी फिर चखना स्टार्ट करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। थोड़े ठंडे हो जाना चखते हैं। सही नहीं चल रही ना, हवा है ना, सही है ना। आप सारे एक बार डाल दो। हाँ। बड़ा पकोड़ा बन जाएगा, बड़ा पकोड़ा एक ही ईसा बन जाएगा। नानी मेरी को तो दो, नानी माँ आगे हो जाएं, ये चखते रहेंगे फिर बचेंगे नहीं। बस थोड़े से पकोड़े जो है ना हमारे रहते हैं, लेकिन जो ही तैयार होते आ रहे हैं इधर से जी, सब जो है ना खाते जा रहे हैं। छोटी खाला ने वैसे तो दो तीन रोज़े रखे हैं, आज जो है ना रोज़ा नहीं रखा, तो आज बस सब उठ के चले गए हैं। अभी ना ये बड़े वाली प्लेट इसी ने खाली की है, और इधर नानी अम्मा ने भी। नानी अम्मा जी। बस करें अब तो, मेहरबानी करें, मां मारे लिए भी छोड़ दें। मैं फिर चखने के लिए आ गया हूँ। मेहरबानी करें आप जाएं, वो मस्जिद में मिस्त्री भाई बुला रहा है आपको। लाडो सिस्टर और उसकी छोटी बेटी भी खा रही है तैयार। अभी पकोड़े फिर दादाजान आ गया है खाने के लिए, तो मैं भी एंड में खाऊंगी, दोनों ना मिल के खाएंगे। कैसे
नहीं नहीं सिर्फ चखेंगे, हमने तो सिर्फ चखे हैं, खाए तो नहीं है ना। चखे सिर्फ चखे चखे हमने दोनों ने ना। मैं मेरी बात सुने, चखे पता है कैसे जाते हैं, ये ले ये ऐसे चखे जाते हैं बस, ये तो पकड़ो मर्चे नमक, एक ताल तो चखने के लिए होना, मर्चे नमक किसी भी पकोड़े में सिर्फ मर्चे नमक चेक करने के लिए चखना होता है। बात तो सुनो, हमने भी तो इतने इतने बाइट कर करके खाए हैं। हाँ ना चखे ज्यादा खाए। चलो जी यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो अपने बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तब अल्लाह हाफिज़ करो। अल्लाह हाफिज़।